दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ कर दिया है। 5G सर्विसेज पहले फेज में 13 शहरों में दिया जाएगा, जिसमें मेट्रो शहर और बड़े शहर शामिल होंगे। अब सवाल यह उठता है कि हमें 5G का लाभ कैसे मिलेगा, क्या 5G यूज करने के लिए हमें सिम बदलना पड़ेगा या फोन बदलना पड़ेगा, 5G यूज करने के लिए हमें कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा, सारा कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहे। दोस्तों साफ तौर पर कहा जाए तो आपको 5G नेटवर्क इस्तेमाल के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, जिसे हम सिम कार्ड के नाम से जानते हैं, जिसे 2G इंटरनेट के समय विकसित किया गया था, यह सिम पहले के मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर आधारित था। 3G के लॉन्च के साथ इसका नाम बदलकर USIM यूनिवर्सल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल कर दिया गया और नए स्मार्ट सिम कार्ड नए 3GPP थर्ड जेनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए गए। तकनीकी रूप से कहे तो इस नए सिम कार्ड को रिलीज 99 प्लस USIM कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये USIM कार्ड 2G, 3G, 4G और यहाँ तक कि 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करते हैं। यानी आपके फोन में जो वर्तमान सिम है वह USIM है और इसे बिना बदले ही 5G नेटवर्क में यूज किया जा सकता है। यदि आपके पास 4G सिम है और यह आपके 5G स्मार्टफोन में 4G LTE नेटवर्क के साथ अच्छी तरह से काम करता है तो यह 5G के साथ भी काम करेगा। यदि आपके पास 5G फोन है और फोन में 4G LTE नेटवर्क के साथ सिम काम नहीं कर रहा है तो आपको नए सिम कार्ड खरीदने की जरूरत है। और दोस्तों 5G यूज करने पर हमें 4G के मुकाबले 20% तक ज्यादा पैसे देने होंगे। जाहिर सी बात है 5G है तो 4G से कुछ ज्यादा ही चार्ज लगेगा, लेकिन अभी टैरिफ प्लान लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं आपके पास कौन सा सिम कार्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।